पब्लिक टीवी आपकी आवाज। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी विभाग को अलर्ट कर दिया गया है कि टीमों का गठन करके चुनाव में लगना है। इसी कड़ी में मुरादाबाद के पुलिस लाइन सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दो थानों की पुलिस की बैठक की गई। सबको चुनाव में ड्यूटी लगाने के लिए कार्यरत किया गया, साथ ही सबको दिशा निर्देश दिए गए। जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आए उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी है। तो वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए एसपी ट्रैफिक सतीश चंद्र ने बताया कि हमारी टीम पूरी तरह मुस्तैद है और चुनाव में लड़ने को तैयार है। बेसिकली चुनाव के संबंध में हम लोगों ने अपने पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों को सेंसिटिव किया है, सेंसिटाइज किया है। उनको चुनाव के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मैंने उनको संक्षिप्त जानकारी दी। 144 लगी है चुनाव के संबंध में, उसके संबंध में जानकारी दी। जो टीमें बनी हैं चुनाव आचार संहिता के अनुपालन कराने के लिए, उसके बारे में इनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या जिम्मेदारी हैं, ये डिटेल्स इनको बताया गया। उसके अलावा इनका आचरण कैसा रहे पूरे चुनाव के दौरान, उस संबंध में जानकारी दी गई। क्या इनकी चुनाव के पहले नामांकन के समय क्या इनकी जिम्मेदारी होंगी, चुनाव के दिन क्या जिम्मेदारी होंगी, चुनाव के बाद इनकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, स्टेप बाई स्टेप हमने इनको ब्रीफ किया है। इसके अलावा जो जिले में दूसरे जिले में ड्यूटी करने जाएंगे तब इनको अपना आचरण कैसा रखना है, ड्यूटी कैसे देनी है, इस संबंध में डिटेल्स हम लोगों ने इनसे बात की है। ये हमारा 4 दिन का प्रोग्राम है। 4 दिन में मैं पूरे सभी थानों के जनपद के, आज सिविल लाइन्स और कोतवाली सर्किल के लोग आए हुए थे, 4 दिनों में मैं पूरे जनपद के सभी फोर्स को मैं चुनाव ड्यूटी के संबंध में, जो अलग अलग तरीके की ड्यूटियाँ हैं उस संबंध में उनको ब्रीफ करूँगा, उनको ट्रेनिंग दूँगा।